देवास जिले के पुंजापुरा गांव में रहने वाले एक कलयुगी बेटे ने अपने माँ बाप को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। बेटे के गलत धंधे की वजह से माता पिता परेशान थे और इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मृत्यु पूर्व पिता के बयानों के आधार पर बेटे की तलाश शुरू कर दी है। फिर हुए खून के रिश्ते तार तार, बेटा बना माँ बाप की जान का दुश्मन। इकलौते बेटे ने अपने ही माँ और पिता को जहर दिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बेटे के गलत कामों से परेशान थे माता पिता। मृत्यु पूर्व पिता ने दिया पुलिस को बयान, बेटे ने ही जहर खिलाया। जी हाँ, देवास जिले के पुंजापुरा गांव में खून के रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। दरअसल पुंजापुरा में रहने वाले ताराचंद और ममता राजपूत अपने इकलौते बेटे गोपाल के गलत धंधों से परेशान थे, जिसके कारण आए दिन घर में बेटा माँ पिता से विवाद करता था। कल भी इसी बात को लेकर बेटे का माँ और पिता से विवाद हुआ था, जिसको लेकर बेटे ने माँ पिता को जहर खिला दिया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हालात बिगड़ने पर उन्हें इंदौर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृत्यु पूर्व पिता ताराचंद ने पुलिस को बयान दिया कि उन्हें और उनकी पत्नी को उनके बेटे गोपाल ने जहर दिया है। पुलिस ने बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर बेटे गोपाल की तलाश शुरू कर दी है। बताएं क्या घटना हुई है, कौन लोग हैं और किस कारण ने पैदल लिया? सर, मेरा छोटा भाई है, 30 साल से यहीं रह रहे हैं, ये पुंजापुरा में। और अचानक बीच में कौन सी घटना हुई है तो पता नहीं, बताया सुसाइड किया है कि किसी ने जहर दिया है उसे। क्या नाम है उनका भाई साहब का? ताराचंद जी। और भाभी जी का क्या नाम है? ममता भाई। नहीं, ऐसा कुछ बता रहे कि बच्चे से परेशान होकर उन्होंने कदम उठाया है? ऐसा हो भी सकता है, वो दूसरा भी हो सकता है उसमें। नहीं, आपको क्या खबर मिली थी? मेरे को तो खबर ये है कि बच्चे ने बताया उसे जहर दिया है। बच्चे ने? क्या नाम है उसका बच्चे का? गोपाल। तो क्या इनसे किसी कारण रंजिश रखता था क्या माँ बाप से? ये आउट चल रहा था थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, शादी हो गई उसकी? नहीं। अच्छा, भैया काम क्या करते हैं ताराचंद जी? ये अपना आपका नाम बता दीजिए। खुलसी।